कभी कभी लोग अपनी असफलता का बोझ दूसरों के कंधे पर ढोते हैं। वो कहते हैं मेरे पास ज्ञान है, हुनर है और प्रतिभाशाली भी हूं, पर उसकी किस्मत अच्छी थी इसलिए वो सफल हुआ। हाँ, ये भी सच है कि उसमें ज्ञान है, हुनर होता है और प्रतिभा भी होती है, पर सही समय पर, सही जगह पर और सही दिशा में उसका उपयोग नहीं कर पाते और ये कारण बनती है आपकी असफलता का। वो शख्स था भी प्रतिभाशाली, उसे अपने आप पर सही जगह पर सही समय पर प्रस्तुत करना आता था और उसने अपनी इसी चीज को आगे रखा और अपने आप को बनाया सेफ शॉप का डायमंड शिप अचीवर। मिस्टर राजेश वर्मा, पीडब्ल्यूडी में सीनियर अकाउंटेंट श्री रमाशंकर प्रसाद वर्मा और उनकी पत्नी स्वर्गीय श्रीमती नीलम वर्मा, इन्हीं के घर 15/12/1978 में जन्म हुआ उनकी दूसरी संतान और पहले पुत्र राजेश कुमार वर्मा का। अपनी बहन से छोटे और भाई से बड़े राजेश की शिक्षा सुमन कॉन्वेंट स्कूल से शुरू हुई और यहीं के इंटर कॉलेज से 12वीं तक की शिक्षा ली। RNAR कॉलेज समस्तीपुर से BA हिस्ट्री में पूर्ण किया। अब नौकरी की तैयारी की पर नौकरी नहीं लगी तो टेक्निकल कोर्स बैचलर डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन कर अपनी लैब खोली। अब यहां काम करना तो आसान था पर पैसा कमाना बहुत मुश्किल, तो लैब चल ना सकी और MR के जॉब में आ गए। एकाएक 2008 में मां की मृत्यु हो गई। परिवार में पिता, भाई और राजेश ही थे। बहन की शादी हो चुकी थी। इन्हीं परिस्थितियों को देख 2008 में ही 31 दिसंबर को राजेश की शादी पूजा से हो गई। पूजा ने परिवार को संभाला और राजेश ने घर के अर्थ को। बेटी पलक का जन्म हुआ और राजेश पिता बने। बेटे रेहांग के जन्म ने परिवार को पूरा कर दिया। अब राजेश को अपने बच्चों की परवरिश के लिए और पैसा कमाने की चाह जागी। इसी बीच किरायेदार और MR की नौकरी के साथ ही अमरेंद्र सर ने रात 9:30 पर दरवाजे पर दस्तक दी और सेफ शॉप का प्लान समझाया। रात 1 तक चली इस बैठक ने सेफ शॉप का साथ राजेश को करवा दिया, पर राजेश को अभी भी विश्वास नहीं था तो 2 काम नहीं किया। पर जब अमरिंदर सर के फोर्स करने पर आगरा में डायमंड शिप का फंक्शन देखा तो लगा कि ये सब संभव है, तो निर्णय लिया कि अपने आप को इसी सेफ शॉप में अचीवर बनाना है, तो लग गए अपनी टीम के निर्माण में। लोगों से मिलना जारी किया, लोग आते पर काम नहीं करते। राही चलने लगा, राहें मुड़ने लगी, ना खबर ये भी कल हो के नहीं। राही चलने लगा, राहें मुड़ने लगी, ना खबर ये भी हो के नहीं। उलझी सी डगर ये कदम
वजह राही चलने लगा, राह मुड़ने लगी, मंजिल का कहीं कोई नाम नहीं। तब अमरिंदर सर से मिल, अविनाश सर से बात की और दिशा ट्रेनिंग की बात हुई, तो राजेश दिशा ट्रेनिंग में गए। पहले दिन लगा कि वही बातें हैं जो हम एमआर की ट्रेनिंग में बताई जाती हैं, पर तीसरे दिन पता चला कि सेफ शॉप क्यों जरूरी है और कैसे करना चाहिए। अब मंजिल और रास्ता दोनों थे और साथ था हौसला और अपलाइन। अब यही ज्ञान लेकर अपनी टीम के साथ काम करने लगे। हार के बैठना नहीं, जीत के दिखाना है तुझे, भाग तू ऐसे तुझको रोक कोई भी ना सके। और टीम के निर्माण ने गति पकड़ी और दूसरे शहर तक पहुंचने का काम किया। अब पत्नी घर को संभालती और राजेश दूसरे शहर में टीम को। कभी राजेश इधर भागते तो कभी उधर। एक समय ऐसा भी आया कि जेब की हालात खराब हो गई और सिर्फ सत्तू पीकर अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देते। यही लगन जब टीम देखती तो राजेश के साथ और मजबूती के साथ खड़ी हो जाती। राजेश उनकी ट्रेनिंग पर ध्यान देते। यही ट्रेनिंग राजेश के लेवल को अचीव करवा रही थी। और यही मजबूती और टीम आज राजेश को डायमंड शिप अचीव करवा रही है। सेफ शॉप के लीडर राजेश कुमार वर्मा। रोशनी बढ़ती जाती है।